अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि हमने किस तरह किसी भी सेलर या किसी भी गिग के टैग्स कैसे फाइंड करने हैं। मैं क्या करता हूँ, तीन चार सेलर गिग्स को ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब के अंदर। ये देखिए टॉप पे आ रही है, ये सारे लेवल टू सेलर हैं। उसके बाद अब ये देखिए, ये वाला जो सेलर है इसके टू ऑर्डर इनक्यू में जा रहे हैं। उसके अलावा आपने लास्ट पे आ जाना, लास्ट पे आने के बाद अब देखिए, ये देखो रिलेटेड टैग्स, ये बंदा ये वाले टैग्स यूज कर रहा है। आपने क्या करना है, सिंपली इनको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इधर आके पेस्ट कर देना है ये वाले की टैग जो है। उसके बाद आपने वन बाय वन दूसरे सेलर्स को देखना है कि उनके जो टैग्स हैं वो, ये देखिए ये कोई इंडियन है, उसके अलावा ये देखिए, ठीक है। तो इसकी जो भी टॉप पे आ रही है ये भी, ये देखें इसके कीवर्ड्स भी डिफरेंट है। तो आपने क्या करना है कि आपने इन सब कीवर्ड्स को उठाते जाना है, उठा के एक साइड पे पुट करते आना है, पुट लिखते आना है। लिखने के बाद जो टैग्स आपको अच्छे लगे तो आपने उन टैग्स को ही अपने गिग के अंदर मेंशन करना है। अब ये वाला इसने भी डिफरेंट टैग्स यूज़ किए होंगे, तो आपने क्या करना है, जो टैग्स आपकी स्किल के रिलेटेड हों आपने सिर्फ उनको ही कॉपी करना है, उनको ही अपनी गिग के अंदर मेंशन करना है। देखें टाइपिंग, टाइपिंग फास्ट टाइपिंग, डाटा एंट्री, रीटाइप, टाइपिंग, देखें हर बंदे ने अपने अपने टैग्स यूज़ किए हैं। अब हम इसके देख लेते हैं, एडमन, डाटा एंट्री, माइक्रोसॉफ्ट, कॉपी पेस्ट, टाइपिंग। ये देखें कुछ कीवर्ड जो कुछ टैग्स हैं वो कॉमन आ रहे हैं, मतलब बार बार रिपीट हो रहे हैं, कॉपी पेस्ट रिपीट हो रहा है, टाइपिंग जॉब हो रहा है। अब देखिए इसने वर्चुअल असिस्टेंट ऐड किया है। तो आपने क्या करना है कि आपने इन सब को इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद जो वाला कीवर्ड ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं आपने उसको मेंशन करना है और उसी को टारगेट करना है, ताकि आपकी गिग भी रैंक हो सके और आप मैक्सिमम ऑर्डर गेन कर सकें। इस तरह से हम अपनी गिग को ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, एससीओ से हम एससीओ ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं।